मैं अफजाल अंसारी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। बिरला साहब जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने आज हमें पद की शपथ दिला दी। हम उनके लिए आभार हैं और आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के लिए, पूर्वांचल की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए ढेर सारी शुभकामना और मुबारकबाद देते हैं। सर, 3 नए कानून भी लाए गए हैं, कल से लागू कर दिया गया है। देखिए, ये विषय है, 3 नए कानून का विषय नहीं है। अब उसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की संज्ञा दी गई या अलग अलग नाम लिख लिए गए, कानून तो था ही, देश तो कानून के ही रास्ते से चल रहा था, रूल ऑफ लॉ तो था ही। ये कंफ्यूज करने के लिए मीडिया इस वक्त 3 नए कानून। अब हमारे उत्तर प्रदेश में लोग इसी तरह से गणना कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो गाड़ियां चलाई थी उसका नंबर रखा था 100 नंबर, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 112 कर दिया। उसी तरह से इन्होंने कुछ नाम बदले हैं, बाकी कानून में क्या बदलाव किया गया है अब उसको अध्ययन करने की जरूरत है, देखा जाएगा प्रैक्टिकल क्या है। कानून विद और उसके जानकार, देखना यह है कि कानून, हर कानून अच्छा होता है, उसका दुरुपयोग जो किया जाता है वो बहुत बुरा होता है। तो इस सरकार में कानून का लगातार दुरुपयोग किया जाता रहा है, वो पुराने कानून का भी दुरुपयोग किया गया, अब आगे नए कानून का जो दुरुपयोग नहीं करेंगे ये देखने की बात होगी। 21 कानून में लिखा है, अगर ये सरकार हिम्मत है, मैं इसको चुनौती देता हूँ, हिम्मत है तो आप अपनी बुलडोजर की कार्रवाई का एक कानून बना दीजिए। हमारे देश की न्यायपालिकाओं को शिथिल करके, उनके अधिकारों का हनन करके आप ही आरोप लगाओगे, आप ही सजा दे दोगे, तो न्यायपालिका की जरूरत क्या है? वो दिन अब दूर नहीं, बहुत जल्दी आप देखिएगा न्यायपालिकाएं हस्तक्षेप करेंगी।